हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ा है होंडा SP125 का BS6 मॉडल ग्रे कलर में। तो आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है इस बाइक का। तो पर्सनली फ्रेंड्स, मुझे इसका जो ग्रे कलर है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है, इसीलिए आज मैं आपको इसका वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में कि क्या आपको ये बाइक 2021 में अगर आप लेने का सोच रहे थे तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देख लें। अगर आप भी 125 सीसी सेगमेंट में एक बाइक लेने का सोच रहे थे तो आपकी जितनी भी डाउट्स है वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इस बाइक के बारे में। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसका ग्रे कलर का। तो आप ग्रे कलर का इसका लुक्स देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम आ रहा है एकदम ही, मतलब बिल्कुल ही प्लेन यहाँ पे आपको मैट ग्रे देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। होंडा का जो लोगो है वो मतलब ग्रे में आपको जो इसका जो मतलब क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा, मतलब दूर से जो इसका प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको ग्रे जो है ये आप मतलब बोल सकते हैं कि आपको टेक्सचर जो है इसका जो यहाँ पे आपको मैट मिलता है और यहाँ पे आपको शाइनिंग में मिलता है, तो इसका जो लुक है वो कुछ अलग ही आता है और काफ़ी अच्छा साइड प्रेजेंस ये देता है बाइक को। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिशिंग का जो है टाइप का यूज़ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव बनाता है। और SP125 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, वो भी आपको ग्रे में ही मिलता है और ESP का बैजिंग मिल जाता है। तो आप लुक्स देख करके आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जो इसका लुक्स है वो कैसा लग रहा है। पर्सनली मेरा फेवरेट कलर यही है, आप भी कमेंट सेक्शन में अपना जो फेवरेट कलर है वो बता सकते हैं। ऐसे मैंने इस बाइक के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रखा है, बट फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल डिटेल्स बताने वाला हूं। तो अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे साथ ये इसका डिस्क वेरियंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क है। तो अगर कुछ बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो ऑन रोड प्राइसिंग है ये आपको 94,000 रुपीज़ से लेकर 95,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। एरिया टू एरिया जो ऑन रोड प्राइसिंग होता है वो डिफर करता है, हो सकता है आपके एरिया में थोड़ा सा जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपके एरिया का जो प्राइस है वो क्या है। हमारे एरिया में 95,000 रुपीज़ तक में ऑन रोड आ जाता है। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आता है और फ्रंट में आपको फुल्ली LED लाइट्स मिल जाता है जो कि स्प्लिट टाइप में आता है और काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो इसका फ्रंट का फेंडर है वो पूरा ही मैट आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको ब्लैक में पूरा वाइजर मिल जाता है। होंडा की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको इसका इंजन है वो सेम आपको 125 सीसी वाला मिल जाता है। इसका जो पावर फिगर्स वगैरह है वो सब आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसका जो अगर हम टायर्स का बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको MRF के आपको यहाँ पे जैपर्स के टायर मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं आपको जो 80/100 सेक्शन का ये टायर आपको यहाँ कंपनी ऑफर करती है। और इसमें जो आपको डिस्क ब्रेक है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिस्क ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निसान का आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेक बाइट प्रोवाइड करता है। अगर आप हायर स्पीड्स पर राइड कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपको मतलब ब्रेक बाइट प्रोवाइड करेगा। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसके डिस्क ब्रेक के लिए जाएँ। अगर हम बात कर लेते हैं इसके इस साइड से, तो आप इस साइड से आइए। सबसे पहले मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। फ्रंट का जो इसका लुक है वो काफ़ी एग्रेसिव आ जाता है, सामने से आप देख सकते हैं मतलब होंडा का जो बैजिंग है और यहाँ जो लाइट्स है, मतलब किसी भी एंगल से आपको 125 सीसी की बाइक नहीं लगेगी, बिग बाइक का ये आपको फील दे देगा। अगर बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो आपको बल्ब में ही इंडिकेटर्स मिल जाता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और अगर बात कर लेते हैं इसके पास के बारे में, तो आप पास लाइट देख सकते हैं इसका, यहाँ पर आपको पास का स्विच मिल जाता है। और अब हम आ जाते हैं इसके इस साइड में, तो साइड से आप सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाएगा जो कि नाइट में विजिबिलिटी बढ़ा देता है इस बाइक का। और यहाँ पे आपको होंडा का जो बैजिंग मिल जाता है जो कि आपको उस साइड भी मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे थोड़ा ब्लैक पार्ट का यूज़ किया गया और कार्बन फाइबर का यहाँ पर भी थोड़ा सा फिनिशिंग का यूज़ किया गया। और लेग गार्ड आप देख सकते हैं और सेम 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप आपको इसमें मिलता है। और अगर इसके सीट की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे कुशनिंग के साथ जो इसका सीट है वो आ जाता है। और यहाँ पर आपको रेड कलर में इसके जो सॉकर्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और इसका चेन का अगर हम कवर का बात करते हैं तो ये आपको प्लास्टिक में मिल जाता है जो कि काफ़ी आप बोल सकते हैं कि अच्छा है और ड्यूरेबल रहेगा और रस्टिंग वगैरह का कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले जो कंपनीज थी वो मतलब आपको आयरन का चेन जो है इसका बॉक्स है वो प्रोवाइड करती थी, बट अभी जो है ये प्लास्टिक का आ रहा है तो इसका जो मतलब ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी लो मेंटेनेंस में ये बाइक आपको आ जाती है। अगर आप 125 सीसी में एक लो मेंटेनेंस में बाइक लेने का सोच रहे थे तो आप इसको ले सकते हैं। इसका साड़ी गार्ड आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, मतलब इसे आपको खुलवाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, बाइक के साथ काफ़ी अच्छे से ये मैच हो जाता है। और यहाँ आप लेग गार्ड देख सकते हैं, राउंड शेप में आपको मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके रेयर की लुक की, तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रेयर की लुक की, तो रेयर से जो बाइक का लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब आप देख सकते हैं बल्ब में इंडिकेटर्स मिल जाता है और जो आपको यहाँ पे बल्ब में ही आपको टेल लाइट भी मिलता है, बट काफ़ी प्रीमियम लगता है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके जो पीछे का जो यहाँ ग्रैबरेल कंपनी प्रोवाइड करके रखी है, ये रबर का मिलता है तो काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं कि ग्रिप बनता है आप जब इसे पकड़ते हैं उस टाइम पर। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका कुछ लुक्स का बात। अब मैं एक बार आपको बाइक स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। साइलेंट स्टार्ट कंपनी आपको इसमें ऑफर करती है जो कि आपको सिर्फ इसी बाइक में देखने को मिलता है 125 सीसी सेगमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार इसे। तो
तो आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी ही आप बोल सकते हैं कि लाइट है जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है। और अगर आप सिटी कम्यूटिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, अगर आप उतना स्पोर्टी आपको एग्जॉस्ट नहीं चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं रेयर की टायर की, तो आप रेयर का टायर इसका देख सकते हैं सेम MRF जेपर्स वाला ही टायर आपको मिल जाता है। और ये भी सेम 100x80x100 का ही टायर सेक्शन के साथ यहाँ पर आता है। आप देख सकते हैं 80x100 का 18 इंच का ही आपको इसमें टायर मिल जाता है रेयर में भी। तो रेयर का टायर इसमें कंपनी थोड़ा सा वाइड आपको प्रोवाइड कर सकती थी, बट यहाँ पे थोड़ा माइलेज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने थोड़ा सा पतला टायर यहाँ पर दिया है। तो ये था फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स वगैरह मिस ना हो जाए। तो अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका प्राइसिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो ज़रूर से करते हुए जाएं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। मैं वहाँ बाइक अपडेट्स वगैरह रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।